तो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार का विरोध, क्या कांग्रेस का सेल्फ गोल है, ये सवाल उठ रहा है। देखिए सियासी घमासान छिड़ चुका है इस पूरे मामले पर। तो ये सवाल इसलिए क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देने के ऐलान पर सियासी घमासान जारी है। हालांकि गीता प्रेस ने कहा है कि वो सिर्फ पुरस्कार की प्रशस्त पत्र लेंगी, वो सिर्फ पुरस्कार का जो प्रशस्ति पत्र है वो लेंगी, हालांकि 1 करोड़ की सम्मान राशि नहीं लेगी। लेकिन कांग्रेस के भीतर इस ऐलान पर अशांति मची हुई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फैसले पर यह कहकर सवाल उठाया कि गीता प्रेस को शांति पुरस्कार देना एक तरह से गोडसे और सावरकर को पुरस्कृत किए जाने जैसा है और ये गांधी का अपमान करने जैसा है। रमेश के इस बयान का कांग्रेस के भीतर भी विरोध हो रहा है। तो प्रमोद कृष्णन ने कहा कि गीता प्रेस बीजेपी थोड़े ही है, उन्होंने गीता प्रेस के विरोध को हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा करार दिया है और कांग्रेस के अंदर के घमासान ने बीजेपी को उस पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। बीजेपी का कहना है कि अध्यात्म और शांति के लिए जिस गीता प्रेस ने 100 साल से ज्यादा काम किया उस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस एक चुनाव जीतकर इतना घमंड कर रही है कि भारतीय संस्कृति पर अब खुलकर हमले कर रही है और इसकी कीमत उसको जरूर चुकानी पड़ेगी। तो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार का विरोध क्यों हो रहा है और क्या कांग्रेस का ये सेल्फ गोल है, ये बहुत अहम सवाल है। और ऐसा हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेस है उसके भीतर इसको लेकर बहुत सुर मिल नहीं पा रहे हैं, एक सुर सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। और पीएल पुनिया कह रहे हैं कि गांधी जी के नाम वाले इस पुरस्कार को गीता प्रेस को देना गांधी जी का अपमान है। पार्टी के एक और नेता प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि गीता प्रेस बीजेपी थोड़ी ही है। गांधी जी के नाम का अवार्ड गीता प्रेस को देकर गांधी जी का अपमान है, ये नाथुराम गोडसे उनका सम्मान है और उनको ये अवार्ड दिया गया है। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। गीता प्रेस कोई भाजपा थोड़ी है। तो गीता प्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि जो जिस पुरस्कार को लेकर इतना जो घमासान है उसमें गीता प्रेस ने कहा कि सम्मान राशि जो कि 1 करोड़ की है वो हम नहीं लेंगे। और बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस की उठाई गई आपत्ति को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि गीता प्रेस ने 100 साल से ज्यादा वक्त तक आध्यात्मिक परंपरा और शांति स्थापना के लिए काम किया है। ट्रस्ट बोर्ड ने निर्णय लिया है कि हम सम्मान जो मिल रहा है उसके सम्मान में हम सम्मान को तो स्वीकार कर लेंगे लेकिन सम्मान में मिलने वाली जो धनराशि है 1 करोड़ रुपया उसको स्वीकार नहीं कर सकेंगे। गीता प्रेस ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा और शांति स्थापित करने के लिए 100 साल से अधिक से काम किया है और उस पर लेकर टिप्पणी की गई है, इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार। गीता प्रेस को सम्मान, सनातन का बढ़ा मान। कांग्रेस को अखरा, गीता प्रेस का सम्मान। 100 साल से सनातन धर्म और संस्कृति का दुनिया भर में प्रचार प्रसार करने वाले गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना कांग्रेस को रास नहीं आया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस फैसले पर सवाल उठाए और इसे सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देना जैसा करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिए जाने का फैसला लिया गया है। ये फैसला वास्तव में एक मजाक है, ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। देखिए गांधी जी के नाम का अवार्ड गीता प्रेस को देकर गांधी जी का अपमान है, ये पूरी तरह से एक समझा जाए कि नाथुराम गोडसे उनका सम्मान है
और उनको ये अवार्ड दिया गया है। जयराम रमेश कांग्रेस के कम्युनिकेशन सेल के इंचार्ज हैं, इसलिए पार्टी के आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके नेता इस बयान पर जवाब देने से बचते हुए नजर आए। सम्मानित श्री जयराम रमेश जी ने जो भी प्रतिक्रिया दी है, ना ही मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा और ना ही उससे कुछ घटाऊंगा। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जयराम रमेश पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि गांधी प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता को दिखाता है। प्रमोद कृष्णन ने बिना नाम लिए ये भी कह दिया कि जयराम रमेश ने बीजेपी के मन मुताबिक बयान दे दिया है। बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी घोषित हो जाए। जो बात बीजेपी चाहती है, जो बीजेपी चाहती है, वही काम हमारी पार्टी में बैठे हुए कुछ लोग, बड़े जिम्मेदार लोग, बड़े सीनियर लोग जाने अनजाने कर देते हैं। प्रमोद कृष्णम की आशंका सच साबित हुई और बीजेपी ने जयराम रमेश के साथ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। पहले बीजेपी प्रवक्ताओं की फौज मैदान में उतरी, फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया। गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं बचा पा रहे हैं, यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को इस सम्मान क्यों दे दिया है, क्योंकि गीता प्रेस को मिला ये सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है और इसको आज कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। बीजेपी ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद और धर्माचार्य भी मैदान में कूद गए और कांग्रेस को सनातन धर्म का विरोधी ठहराने लगे। गॉडसे से तुलना कर ये पूरे भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मय का अपमान कर रहे, कौन सी मानसिकता से ग्रस्त है चर्च की? सनातन को अगर गांधी शांति पुरस्कार मिले तो कितनी तकलीफ हो रही है जयराम रमेश को और कांग्रेस पार्टी को, तो पहले तो माननीय राहुल गांधी जी को इस पर सफाई देना चाहिए। दरअसल गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। गीता प्रेस ने अब तक 15 भाषाओं में 41,07,00,000 किताबें प्रकाशित कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इनमें से श्रीमद् भगवद गीता की 16,21,00,000 कॉपियां शामिल है। खुद महात्मा गांधी ने भी गीता प्रेस को पत्र लिखकर इसके कामों की सराहना की थी। 8 अक्टूबर 1933 को लिखा गया उनका ये पत्र आज भी गीता प्रेस के कार्यालय में रखा गया है। उस वक्त गांधी जी ने सुझाव दिया था कि गीता प्रेस अपनी पुस्तकों में ना तो कोई विज्ञापन छापे और ना ही किसी तरह की समीक्षा। गांधी जी के सुझाव पर गीता प्रेस आज भी अमल कर रहा है। गांधी जी का सिद्धांत था कि कोई समालोचना का शीर्षक अपनी पुस्तकों में न रखना। इसी सिद्धांत पर चलकर गीता प्रेस ने 100 वर्ष पूरे किए हैं। आज भी हम उसी पर कायम हैं। कोई कुछ भी कहता हो, राजनीतिक रूप से दिए गए वक्तव्य का हम किसी भी रूप में खंडन या मंडन करने की रुचि नहीं रखते हैं। गीता प्रेस 100 साल से हिंदुओं के धर्म ग्रंथ छाप कर आम लोगों तक पहुंचा रहा है। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाली ये संस्था हमेशा विवादों और राजनीति से दूर रही है। इस संस्था को शायद पहली बार विवादों में घसीटने की कोशिश की गई है, जिस पर बीजेपी तो हमलावर है ही, कांग्रेस भी असमंजस में फंस गई है। हालत ये है कि कांग्रेस को जयराम रमेश का ये बयान ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।